Start. Hi, I'm KanchanMala Pande, World Para Swimming Champion, and you're watching me on Nagpur today. Hello, welcome. Hi, this is your host, Atos Vijay Farhan, and once again back in Nagpur today. And today, our guest is KanchanMala Pande, who has recently World Para Swimming Championship mein gold medal jeeta hai. I'm right, KanchanMala? और उससे भी अच्छी बात कि उन्हें आई थिंक इसी महीने की 3 तारीख को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के हाथों से. आई एम राइट. सो कैसा रहा आपका ये पूरा सफर सबसे पहले तो? देखिए रिसेंटली अवार्ड मिला है तो बहुत खुशी हो रही है. वो दिख रही है हमें आपके चेहरे पे. और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, इसको कुछ प्रेसिडेंट अवार्ड भी बोलते हैं, बट वो इस बार वाइस प्रेसिडेंट जी के हाथ से दिया गया. बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ये सब कि इतना अचीवमेंट के बाद गवर्नमेंट इसको फेलिसिटेट हमको करती है. क्या बात है. एंड व्हाट वाज योर मूवमेंट एट टाइम, व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपको पता चला कि आप गोल्ड मेडल जीत चुके हो? देखिए क्या था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन होता है. जी. देन उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो इवेंट मैं 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, बट ये इवेंट जो 200 मीटर इंडिविजुअल मीट लिए मेरा मेन इवेंट था. और जब ये इवेंट नेक्स्ट डे था, मुझे पता चल गया कि कल मेरा इवेंट है, तो पहली जो रात थी इवेंट के पहले वो पूरा मैं 1 मिनट भी सो नहीं पाई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई इवेंट. और मुझे लॉजिकली अगर देखा जाए तो मुझे रेस्ट लेना चाहिए था, पूरा उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए था, और मुझे एक पीसफुली नींद लेनी चाहिए थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई. आई थिंक ये सारे लोग ऐसा ही होता है सारे लोगों के साथ. मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई. सारा टाइम मैं उस इवेंट को विजुअलाइज करती रही, बार बार टाइम देखती रही. देन नेक्स्ट डे मेरा वो इवेंट हो गया और पता चला मुझे कि गोल्ड मेडल आया है, तो वो सारी मोमेंट्स उस टाइम पर याद आ गए कि कितनी प्रैक्टिस की थी, और पिछली रात पहले याद आ गई कि कैसे मोमेंट थी कि अगर, क्योंकि देखिए अगर हम लोग मेडल जीतते हैं तो हमारे ऊपर पूरी कंट्री का प्रेशर होता है, कंट्री के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, और तो बहुत अच्छा लगता है जब वो एक्सपेक्टेशंस हम फुलफिल कर पाते हैं कंट्री के. क्या बात है. और ये तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, लेकिन अभी आप शायद वर्ल्ड पैरा ओलंपिक के लिए भी तैयारी कर रही है, राइट? तो कैसी तैयारी चल रही है उसकी? हाँ जी, तैयारी चल रही है उसकी. अभी मैं पैरालंपिक 2020 के लिए टारगेट कर रही हूँ. देन नेक्स्ट ईयर अभी फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप है, पहले उसको जीतना है अगेन, देन उसके बाद पैरालंपिक. तो पैरालंपिक तक तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो मेरा अल्टीमेट गोल है. और आप स्विमिंग के साथ साथ आरबीआई में जॉब भी करते हो, घर के सारे काम भी करते हो, मुझे आप दिख रहे थे अभी. सो कैसे मैनेज कर लेते हो इतना सारा आप सब कुछ? देखिए मेरा जो ब्लाइंडनेस है वो बाय बर्थ है, और मैं, मेरे पापा हॉकी खेलते हैं, पहले से पड़ी है तो हो जाती है. क्या बात है, यही स्पोर्टिंग नेचर आपका आपकी बातों में भी नजर आता है. एंड और सबसे पहली बात, जब कोई भी किसी भी लेवल पे पहुंचता है, कुछ भी अचीव करता है, तो जनरली लोग सिर्फ उसके अचीवमेंट की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा आपको कि कितनी तैयारी और कितनी मुश्किलों से आप लड़कर यहाँ तक पहुँची हो. देखिए मेरा लाइफ जो है ना वो फ्लैट नहीं रहा है, और इसलिए मुझे फ्लैट लाइफ पसंद भी नहीं है, क्योंकि शुरू से हर्डल्स आए हैं. शुरू से जैसे मैं व्हेन आई वाज स्टार्टेड स्विमिंग आई वाज 10, और मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया अमरावती में HVPM हनुमान मैम प्रसाद मंदिर, तो लोगों ने काफ़ी अपोज किया कि जैसे स्विमिंग मुझे सिखाना था, मेरे पापा को बेवकूफ़ हूँ, मतलब लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ है इसके पापा की, कोई ब्लाइंड लड़की को कोई स्विमिंग सिखाता है क्या, हाउ कैन शी स्विम, मर जाएगी, ऐसे करके लोगों का काफ़ी नेगेटिव अप्रोच पहले जीना था. फिर भी पापा ने सुनी नहीं किसी की और मुझे स्विमिंग ज्वाइन करवाया. और नॉर्मली लोगों को काफ़ी दिन लगते होंगे स्विमिंग सीखने में, मुझे 8 दिन में ही स्विमिंग आता है. उसके बाद स्विमिंग सीखने के 2 महीने बाद मैं कॉम्पिटिशन में उतरी. पहला कॉम्पिटिशन खेलने से ही मुझे फेडरेशन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं खेली और मैंने नॉर्मल जो साइटेड पीपल है उन लोगों के साथ मेडल जीता. देन लोगों को पता चल गया कि मैं ब्लाइंड हूँ और मैं जीत सकती हूँ ना. जिन लोगों का अप्रोच पहले नेगेटिव था, मेरे जीतने के बाद वो पॉजिटिव हो गया, मतलब जीत दुनिया को बदल देती है, बात सही थी. देन उसके बाद व्हेन आई वाज 11 आई स्वैम इन सी, उसका मेरा लिम्का रिकॉर्ड हुआ है, 7 किलोमीटर्स का वो डिस्टेंस था, सैंक्रॉक टू गेटवे ऑफ इंडिया. वो डिस्टेंस मुझे क्रॉस करना था, बट उसके लिए भी मुझे फेडरेशन ने मना किया. देन उनको मुझे फाइनली बॉन्ड लिख के देना पड़ेगा, बॉन्ड लिख के दिया,
कि अगर मैं मर गई तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सी में. अच्छा. तो वो बॉन्ड लिख के दिया और उन्होंने हमको उतरने दिया पानी में. एक्चुअली वहाँ पे ऐसा रूल था कि 1 hour 15 minutes ये बॉयज के लिए क्वालिफाइंग टाइमिंग था. नॉर्मल बॉयज. आज तक इंडिया में ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी ब्लाइंड पर्सन ने सी स्विमिंग किया है ओपन वाटर में. देन आई क्रॉस दैट चैनल इन 1 hour 14 minutes. तो और मैं 11 साल की थी. उसमें भी वो था कि 12 साल के नीचे वो लोग एंट्री नहीं करने देते थे पानी में बच्चों को. तो ये सबके लिए ना एक एक हैरानी वाली बात हो गई थी कि 11 साल की बच्ची और एक घंटा 14 मिनट में इसने सी स्विमिंग पूरा किया. तो तब से फिर लोगों का अप्रोच जो है वो मेरी तरफ देखने का काफ़ी बदल गया. उसके बाद मैं कंटिन्यूसली जीतती गई. मेरी लाइफ का एक एक ये बात रही कि मैं मतलब ठीक है हार जीत तो होती रहती है बट जीतना बहुत ज़्यादा हुआ. मतलब जीतती गई. ऑब्वियस है उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ी. काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा बट अल्टीमेटली ये होता है कि मेरी लाइफ में ना कोई चीज़ अगर मुझे मिल गई आसानी से तो उसमें मुझे मैं डाउटफुल रहती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है आगे और सक्सेस नहीं होगी. और अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई देन मैं 100% श्योर हो जाती हूँ कि ये चीज़ सक्सेस होने वाली. क्या बात है यार. मतलब मैं तो आश्चर्य हूँ कि इतना ज़्यादा टैलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड. ये कोई आप कितना भी सीख लो नहीं सीख सकते. ये ऐसे लोग ऊपर से ब्लेस होते हैं. यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड. बाकी आपकी मेहनत. एक्चुअली क्या होता है कंडीशन आपकी जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको सिखाती है. मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे आए कि पहले तो अभी तो मैं स्कॉट ले जाती हूँ कॉम्पिटिशन में. पहले तो स्कॉट भी नहीं मिलता था. मैं अकेली जाती थी. एक अनोन लोगों के साथ एक ब्लाइंड लड़की अकेली जा रही है तो वो तब मुझे प्रॉब्लम फेस हुई. फेस की मैंने लेकिन उन प्रॉब्लम से मैं सीखती गई कि कैसे मैनेज करना. तो ये जो मेरी प्रॉब्लम्स है ये इन्होंने मेरे लिए गुरु का काम किया. सबसे अच्छा मोमेंट आपका कब रहा ये पूरी जर्नी फ्रॉम अपने एज ऑफ 10 years व्हेन यू स्टार्टेड योर स्विमिंग. एक्चुअली बात यह है कि अभी मैंने गोल्ड मेडल जीता 2017 में. बट मेरी लाइफ का इंटरनेशनल गोल्ड मेडल पहला जो था वो 2006 एशियन पैरा एशियन गेम में था. तब उसका नाम पैसिफिक गेम था. फार ईस्ट पैसिफिक गेम ये मलेशिया में हुआ था. देन तब ये हुआ था कि मेरा इवेंट फर्स्ट डे हुआ और मुझे सिल्वर मेडल आ गया. फिर टीम के सारे इवेंट हो गए स्विमिंग में. किसी को गोल्ड मेडल नहीं था. लास्ट इवेंट लास्ट डे मेरा था. तो सारे लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. व्हेन आई वाज 15 ओनली सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कंचन को गोल्ड मेडल लाना है. तो वो एक सबकी जो आवाज़ में और सबकी एक्सपेक्टेशन जो थी ना कि गोल्ड मेडल आना ही चाहिए. मतलब वो एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर था वो प्रेशर मैंने उसको पॉजिटिवली लिया. ये भी हो सकता था कि मैं उस प्रेशर को टेंशन में बदल के सब नेगेटिव हो सकता था. बट वो उस प्रेशर को पॉजिटिवली फील किया. मेरी चाइनीज़ कॉम्पिटिटर थी. मैंने उसको बीट किया और मैं जब फिनिश किया तो मैं मुझमें इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ. मैं पैरों में मतलब ऐसे जलन हाथ पैरों में पूरी महसूस हो रही थी. मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी. मतलब आप सोच सकते हो कि मैंने अपनी 100% जो भी एफर्ट्स थे वो मैंने लगा दिए. और बाद में मुझे पता चला कि आई गॉट गोल्ड फॉर इंडिया. तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वो मेरा इंटरनेशनल लेवल का पहला गोल्ड था. एंड वर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड एवर. ऐसे नहीं बता सकते. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. वर्स्ट ऐसे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. बट शुरू में जब मैं छोटी थी तो मुझे याद आता है कि लोग काफ़ी नेगेटिव बोलते थे. तो वो चीज़ें काफ़ी पिंच करती थी मुझे. और पिंच करती थी शायद इस वजह से भी मैं और ज़्यादा ज़िद के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ आगे बढ़ी. क्या बात है. और इसी जीत ने शायद आज आपका नाम आपके पूरे परिवार का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के. लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा कि इस फोन को काट देना कि आपके आइडल कौन रहे हैं. मेरे आइडल देखिए इयान थोर्प है ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड. जी 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 वो मेरे आइडल रहे हैं. उनसे मैं मिली हूँ कॉमनवेल्थ गेम में और तभी से मैं उनको मानती हूँ मतलब स्विमिंग के फील्ड में. वाव थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. एंड बिफोर आई साइन ऑफ कंचन आई ऑलवेज आस्क कैसा लगा फरहान के साथ. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. आई विश यू ऑल द गुड लक फ्रॉम बिहाफ ऑफ नागपुर टुडे एंड स्पेशली फ्रॉम नागपुर. थैंक यू. टिल द टाइम गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू.